हेलो लवली पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आगे आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी तरफ क्या गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, या आपके रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड्स हो सकते हैं, आपके लाइफ में जो भी आपको लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसके लिए भी आप चाहते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, आपके बिजनेस में, करियर में, जो भी फाइनेंसिस में, जिसके लिए भी कार्ड आएंगे मैं वो आपको बताऊँगी। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी जोडियक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड शफलिंग ज़रूरी होती है, तो अगर ये आपको नहीं पसंद तो आप इसका टाइम थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी समय से ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन सिचुएशन आपको पीछे धकेल देती है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उल्टी हो जाती हैं। उल्टी होना लाइक हर कोशिश, आपको ऐसा लगता है ये कोशिश भी मेरी नाकाम रही। ओके, आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं मेरे व्यूवर्स, और अपने आप में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। ओके, कभी कभी आपको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से आपके काम थोड़े से बिगड़ जाते हैं। वर्ड की एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। कभी कभी हमें ये समझना होता है कि जो चीज़ें हुई हैं अच्छे के लिए हुई हैं, और कभी कभी हम ये चीज़ जान के भी समझ नहीं पाते हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं क्या वो हमारे अच्छे के लिए हुई हैं, और हम थोड़ा नाराज़गी दिखा देते हैं गॉड से, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, यहाँ पर हम रिलेशनशिप के लिए देखेंगे ज़्यादातर कार्ड्स, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर ही कार्ड्स आए हैं यहाँ पर ज़्यादा। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, आपका और आपके पार्टनर का आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी की मैं बात करूं, आप दोनों की एक दूसरे से शादी होने वाली है। पिछली बातों को लेकर एक दूसरे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, पिछली बातें जो हो गई। देखिए, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर से ही कोई गलती हुई हो सकता है आपसे छोटी मोटी कोई थोड़ी सी गलती हो गई हो। जब आप उनकी गलतियाँ गिनाएंगे, वो आपकी जो आपने की हैं या आपने नहीं की, वो गलतियाँ गिनाएंगे अपनी गलतियों को ढकने के लिए। तो अगर आपको अपने पार्टनर से रीयूनियन ही करना है, तो क्यों ना पास्ट की बातों को आप भूल जाएं, एक्सेप्ट कीजिए प्रेजेंट को, और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए, ठीक है। ओके, कई बार लोग कहते हैं हमें फ्यूचर नहीं देखना है, फ्यूचर नहीं सोचना है, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी, क्योंकि प्रेजेंट ही डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। ओके, जितनी हम मेहनत प्रेजेंट में करेंगे, चाहे हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए करें, चाहे अपने फाइनेंसेस या अपनी जॉब को, अपने करियर को, ओके, तो वो हमें रिजल्ट फ्यूचर में ही तो देगा। थोड़ी सी अजीब बात है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बहुत कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में अच्छा करने की, लेकिन कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है कि सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। ये कुछ लाइफ के हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, और कुछ कुछ हमारी ओवर थिंकिंग होती है जो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कार्ड्स के साथ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। अपनी ओवर थिंकिंग आपको कम करनी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जबकि सिचुएशन नेगेटिव है, और मैं आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोलती हूँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, थोड़ी इम्पॉसिबल सी है, करके देखिएगा, सही रहेगा आपके लिए। ओके, हेरमिट की एनर्जी है, आप आगे जाएंगे, पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में भूल जाइए, जो भी चीज़ें हों, करियर, फाइनेंसेस, लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, ठीक है, सब चीज़ें इम्प्रूव होंगे। अपने में कमियाँ ढूंढना छोड़ दीजिए। जब आप अपने में कमियाँ ढूंढते हैं, अपने आप को जब भी आप आईने में देखते हैं, कमियां देखते हैं, ये सबसे नेगेटिव चीज़ है। जब आप देखें अपने आप को आईने में, अपने आप में कमियां नहीं ढूंढें, कॉन्फिडेंस से रहना है आपको। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, कॉन्फिडेंस रहें, घबराएं नहीं किसी भी सिचुएशन को लेकर। हाँ, आप किसी ने ऐसा सोचा होगा, दी प्लीज़ रिलेशनशिप के लिए बताओ क्या होने वाला है। ओके, आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ईगो दिखाई दे रहा है, हो सकता है ईगो प्रॉब्लम आपको भी हो, इसको थोड़ा सा आपको कम करना है। रिलेशनशिप की बात करूं मैं, गाइडेंस तो हो गई है, आपकी जो विश है रिलेशनशिप को लेकर वो पूरी होने वाली है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पास्ट की बात को नहीं करना है। अगर आप में ईगो या गुस्से का ज़्यादा ही इशू है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करना है। अपने पार्टनर की बात जो भी वो उस वक्त आकर बोलते हैं, उसको चुपचाप सुन लेना, मानना नहीं, सुन तो लेना एटलीस्ट, क्योंकि जब आप
नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो वो भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर पॉइंट, उसी चीज़ पे बात डालते रहेंगे कि तुमको यही मानना रहेगा, मैं इसलिए गया था, ये गई थी क्योंकि तुम्हारी ये बात थी। इन सब चीज़ों को नहीं करना है। विश पूरी होते हुए दिख रही है आपकी रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप जिस पर्सन के साथ कमिटमेंट का या प्यार का वेट कर रहे थे, जिस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, जिससे आप प्यार चाहते थे, आपको लगता था मैं इस पर्सन के साथ रहूं हमेशा, वही पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्यार देगा। ओके, यहाँ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा स्लो थी, लेकिन अब आपके पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी करेंगे आपको कमिटमेंट देकर आपके साथ रिलेशनशिप में रीयूनियन में आने के लिए। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो कमिटमेंट या जो आपको ऑफर करेंगे अब आपके पार्टनर, वो परमानेंट होगा, उसमें कोई दोराहे की बात नहीं है कि वो आकर फिर चले जाएंगे। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कहते हैं ना, एक मजबूती आएगी, एक ठहराव आएगा। आप चाहते थे कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करें, काफ़ी साल या काफ़ी महीने हो गए बातचीत नहीं हुई, आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत हो सकती है, वो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। छोटा सा ही, छोटी सी ही कुछ ऐसी बात हो, लेकिन बात होगी ज़रूर आप दोनों की। इसलिए मैं आपको इतनी बार कह रही हूँ कि आप लोग ज़रा अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा संभाल कर रखें, या मैं तुम्हें मेजर अरकाना से देखूँगी। ओके, मेजर अरकाना, क्या कहते हैं अभी, जस्टिस होने वाला है, जस्टिस होगा, बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में। ओके, जजमेंट, ओ माय गॉड, वाह। देखो, इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए शायद मैंने अभी आपसे कहा था कि आप लोगों ने जो भी कोशिश की वो आपको लगता है कि हमेशा नाकाम रही, ऐसा कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट ऊपर वाला ज़रूर देगा आपको, और आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, जस्टिस होगा। ओके, वाह, तारा मन, नई शुरुआत है, यहाँ पर भी नई शुरुआत, ओ माय गॉड, जस्टिस है, जजमेंट है। ओके, स्टार है एंड फूल है, नई शुरुआत, जजमेंट एंड जस्टिस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मैनिफेस्ट अच्छे से करना है, अपने आप में कमी निकालना छोड़ दो, अपने गुस्से को शांत कर लो। पास में जो हुआ हो चुका, पास में इतना कुछ हो चुका है, फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए आज तो रीडिंग देख रहे हो ना, इसका मतलब प्यार है, रीयूनियन करना चाहते हो। ठीक है, ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस भी मिली है, आपको समझ भी आया है, और आपको आपके पार्टनर के बारे में पता भी चला है कि बहुत जल्दी जजमेंट भी होने वाला है और आप दोनों साथ होने वाले हो। ओके, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।